पर्ल वी पुरी केस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। फाइनली आपको बता दूं कि पर्ल वी पुरी को नहीं मिली जमानत। आखिरकार क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को बता दूं कि पर्ल वी पुरी पर नाबालिग के खिलाफ रेप केस का आरोप था। वैसे में फिलहाल जहां आपके बता दूं कि ये वेल इन्होंने कोर्ट में अपनी बेल के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब ये सबूत आ चुका है सामने कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। और बच्ची ने खुद ये बड़ा खुलासा किया है कि उनके साथ दुष्कर्म इस एक्टर यानी कि पर्ल वी पुरी ने किया है। आपको बता दूं कि पर्ल वी पुरी के खिलाफ अब दोष क्योंकि साबित हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी याचिका, बेल की याचिका खारिज कर दी गई और अब भी उन्हें जमानत नहीं मिली है। यानी कि अब पर्ल वी पुरी को और भी आगे तक अभी फिलहाल जेल में ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि विक्टिम के पेरेंट्स के बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी फिलहाल पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा दोनों मिलकर अपनी बच्ची के लिए स्टैंड ले रहे हैं और अपनी बच्ची के इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं, जिसके बाद उनकी बच्ची यानी कि विक्टिम ने खुद पर्ल वी पुरी को पहचान कर उनके खिलाफ ये इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने ही उनके साथ दुष्कर्म किया था और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी दुष्कर्म के मामले पूरे तरीके से सामने आ गए हैं। अब फाइनली पर्ल वी पुरी को जमानत नहीं मिलने वाली है। अब इस खबर पर आपके क्या है रिएक्शन, जल्दी से बता दें हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।